तुर्की से देश लौटने के दौरान एनडीआरएफ के जवानों के सम्मान में वहां के अदना एयरपोर्ट पर लोगों ने तालियां बजाई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अदना एयरपोर्ट पर मौजूद लोग एनडीआरएफ के जवानों के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाते दिखाई दिए। तुर्की में 6 फरवरी को भूकंप आने के बाद एनडीआरएफ की टीमें वहां मदद के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने कई लोगों का रेस्क्यू किया। यही वजह रही कि जब एनडीआरएफ के जवान तुर्की से लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर मौजूद लोग उनकी विदाई में तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। तुर्की की मदद के लिए भारतीय सेना ने एक मेडिकल टीम भी भेजी थी, जो अब देश लौट आई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की से राहत बचाव का काम करके लौटे जवानों से मुलाकात की। एनडीआरएफ के ये सभी जवान ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में राहत बचाव के लिए गए थे, जिनके भारत लौटने पर प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों से लौटे जवानों की हौसला अफजाई भी की। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। असल में ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने एनडीआरएफ के जवानों की कुछ टीमों को तुर्की भेजा था। उन टीमों ने तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में 24 घंटे काम करके मलबे में दबे कई लोगों की जान बचाई। इधर दिल्ली में अपने घर पर हुए पथराव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर पर पहली बार नहीं हमला किया गया, बल्कि चौथी बार उनके घर को निशाना बनाया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस मामले में कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। कौन है ये लोग जो चौथी मर्तबा हमारे घर पर हमला किया? असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि किसी ने पत्थर से उनके घर पर हमला किया। इसके बाद जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्होंने वहां से 3 पत्थर बरामद किए। उधर खबर है कि जर्मनी एक ऐसी पनडुब्बी बनाने की तैयारी में है जो समंदर में रूस की बादशाहत को खत्म कर देगी। अभी तक रूस की पोसिडन को दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी माना जाता है, जो परमाणु हथियार दागने की भी ताकत रखती है। लेकिन जर्मनी समंदर में सुनामी लाने में सक्षम रूस की पोसिडन को भी मात देने की तैयारी में है। जर्मनी के मुताबिक ये एक ड्रोन सबमरीन होगी, यानी इसे चलाने के लिए किसी सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी मदद से जर्मनी समंदर में मौजूद दुश्मन के ठिकानों का पता आसानी से लगा लेगा और जरूरत पड़ने पर पलक झपकते ही उन्हें तबाह भी कर देगा। इस ड्रोन सबमरीन की लंबाई 25 मीटर होगी, यानी ये पनडुब्बी करीब 82 फीट की होगी, जबकि रूस की परमाणु ड्रोन पनडुब्बी पोसिडन की लंबाई 20 मीटर है। वहीं जर्मनी ने इसे अमेरिकी पनडुब्बियों की तरह आकार में चपटा बनाया है, जिसका फायदा इसे पानी की सतह और गहराई दोनों जगह दुश्मन की नजर से बचकर उसकी जानकारी जुटाने में होगा। इस बीच वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड के यॉर्कशायर में 2 साल पहले मिले एक डायनासोर के पंजे के निशान की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। बताया गया कि पंजे का वो निशान एक मांसाहारी डायनासोर का है जो वहां आराम करने लेटा होगा, और हो सकता है कि इस दौरान उस डायनासोर ने अपना पैर जमीन पर कुछ ज्यादा ही दबाव के साथ रख दिया हो। तभी तो 16,60,00,000 साल बाद भी जमीन पर उस डायनासोर के पंजे का निशान इतना गहरा नजर आया। 2021 में ब्रिटेन की एक पुरातत्व वैज्ञानिक को समंदर किनारे 3.25 फीट लंबा ये निशान दिखा था। यॉर्कशायर में डायनासोर का इतना बड़ा निशान कभी नहीं मिला, इसलिए अब उसे वहां के एक म्यूजियम में रखा जाएगा।